ये गलत हो रहा है और जो हो रहा है वो सब उस निखिल को पता होना चाहिए, वरना बाद में मुझे बोलेगा कि मैंने उसे अपडेट नहीं किया और पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अरे यार, गलत लोगों का गलत टाइम पे फोन। थैंक यू सो मच यार। ना बोलो। मैं क्या बोलूं? उस प्रज्ञा ने मुझे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। ये क्या किया उस? क्या क्या नहीं किया वो पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसा करती क्या, ऐसा क्या जादू चलाती थी अभी उसके पीछे भागने लगता है। कल तक उसकी कमियां निकाल रहा था, आज उसी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। तुम सीधे सीधे बताओगी किया क्या उसने? क्या क्या नहीं किया? एक तो उस चंपक को प्रज्ञा ने टॉर्चर करके रखा हुआ है। मुझे तो डर लगता है कि चंपक कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग न जाए। टॉर्चर कर रही है? हाँ, लंच में उसे इतनी कड़वी कड़वी सब्जियां खिलाई, इतने कड़वे जूसेस पिलाए, अदरक के, पालक के, मेथी के, करेले के, मिर्ची के, पता नहीं कौन से। उसके बेचारे की हालत खराब हो गई। तो मुझे डर लग रहा है ये सब कुछ देखे वो भाग न जाए। और ऊपर से अभी प्रज्ञा, उसको पता नहीं हो क्या क्या है। वो चंपक से इतना स्वीटली बात कर रही है जिससे अभी ना बहुत जेलस फील कर रहा है। उसने ये देखा कि प्रज्ञा उस चंपक को अपने हाथों से जूसेस पिला रही है, तो अभी जेलस होके इतने भी सारे कड़वे जूसेस पिए सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो चंपक से बेटर है। निखिल, कहीं हमने चंपक को यहाँ पे बुला के गलती तो नहीं की ना? शट अप तनु, और फॉर हेवन सेक तुम कुछ मत बोलो। प्रज्ञा को जो भी करना है उसे करने दो, तुम उसकी टेंशन मत लो। उसे करेले का जूस पिलाना है पिलाने दो, तुम्हें उससे क्या लेना देना है। उसे पत्थर देना है पत्थर पिलाने दो। तुम सिर्फ तुम्हें जो कहा गया है उस पर फोकस करो। इज दैट करेक्ट? इज दैट क्लियर विद यू? ऐसी छोटी मोटी जीत जो है ना, अगर प्रज्ञा को उसे खुशी मिल रही है, लेट हर एंजॉय। मैंने तुम्हें क्या कहा था? वो चीज उसे पिलानी है, उस पर फोकस करो तनु, फॉर हेवन सेक। एक बार वो चीज तुमने प्रज्ञा को दी और उसके बाद उस चंपू ने उसे हाथ तक लगाया ना, बस उसके बाद प्रज्ञा खुद टूट पड़ेगी उस पर। और फिर क्या है? अभी एक बार अगर उसे एक साथ देख ले, फिर तुम ही सोचो तनु क्या होगा। तुम सोच सकती हो ना? शाम को आ रहा हूं वहां पर, तब तक सिर्फ वो ड्रिंक पिला देना उसको, ओके? निखिल, तुम मेरी पूरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही हूं। तनु, मुझे मुझे बहुत काम पड़ा है, प्लीज डोंट बॉदर मी, इतना करो मेरे लिए प्लीज, ओके? मैं रख रहा हूं। अरे सुनो तो सही। हेलो, इडियट, इसने तो बताया ही नहीं कि वो प्रज्ञा को चीज कैसे पिलाऊं। मतलब अब ये भी मुझे ही सोचना पड़ेगा। अब मिलेगा प्रज्ञा को नहले पे दहला, बहुत पतिव्रता बनती है। अब देख मैं आज तुझे क्या से क्या बनाऊंगा। ऐसा चीरहरण होगा कि भगवान कृष्ण भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, जोकर मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। हे सरोजनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना, कहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। हमारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से, मने कौन रंग लगा सके,
और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या,